हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो बैठे बैठे बोर हो रहा था और पता नहीं कितने महीने या सालों से मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डाला था। तो मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया चलता है, तो मैं आज वही खुरापाती आइडिया को तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस थर्माकोल के प्लेट से बनाने वाला हूँ पतंग, काइट। जी हाँ, तुम लोगों ने सही सुना और देखा भी। और देखो भाई, ये क्या किया, मैं एक कटोरा ले आया घर से, किचन से अपने। और देखो, ये प्लेट की सहायता से मैंने इस थर्माकोल के प्लेट को कुछ इस तरह से गोल कट कर लिया। और देखो, मेरे घर के जुगाड़ से मैंने कितना ही अच्छा पतंग बनाया है, तुम लोग देखोगे तो खुश हो जाओगे। तो देखो, ये अलग हो चुका है। और अभी मेरे पास ये कॉपी से मैंने एक पेज निकाल लिया, और ये धागा है और सीजर भी है और एक टेप है। तो चलो, तुम लोगों को जल्दी से दिखलाता हूँ कि ये पतंग किस तरह से बनती है। और देखो, बस ये देखो, दो पेज की धागे जो बीच से मैंने कबाड़ लिया था, इसकी पूंछ बनाने वाला हूँ मैं। तो इस तरह से इसकी पूंछ बनाते हैं हम लोग। तो इसकी पूंछ तैयार हो चुकी है, बस इसको चिपकाना है। तो सेलो टेप है मेरे पास, टेप है। तो टेप की मदद से इन पूंछों को ज्वाइंट करके थोड़े लंबे कर लूँगा मैं। और तुम लोग देखो, इस तरह से ये पूंछ बन करके तैयार हो गई हमारी। अब मेरे पास एक पेन है, और पेन की मदद से मैं दो दाग लगा लेता हूँ इस पे, क्योंकि यहाँ पे कन्नी भी बांधनी होती है। तो देखो, यहाँ पे दो दाग मैंने पेन से लगा लिया, मार्क दे दिया। और ये माचिस है, माचिस फिक्स है। तो देखो, इसको क्या करते हैं, जलाते हैं और फिर इसको बुझाते हैं और इस पे एक एक छेद कर देते हैं। तो बस अब हमारा पतंग बन करके लगभग रेडी हो ही गया है। तो चलो, अब इस पे धागा को बांध लेते हैं। किस तरह से कन्नी बांधनी है ये तुम लोग देख लो। तो कन्नी बांधना एकदम आसान सा है, बस सूते धागे को लो और इधर से उधर, इस तरफ से उस तरफ पार कर लो, और बीच में एक गांठ बांध लो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी पतंग तैयार हो चुकी है, और मैंने गांठ भी बांध लिया है। अब बस इसकी थोड़ी सुरक्षा के लिए इस सेलो टेप को यहाँ पर चिपका देते हैं, ताकि ये अपने जगह से हिले नहीं और ये फटे नहीं। तो चलो दोस्तों, अब इसकी बारी है पूंछ लगाने की। तो जल्दी से मैं पूंछ भी लगा लेता हूँ। तो हमारी पतंग अब पूंछ लग करके तैयार हो चुकी है। ये देखो, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अब चलो इसको उड़ाते हैं, पहले धागा इसमें बांध लेता हूँ, और अब चलो छत पर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग आ गए छत पर, और अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि ये पतंग कितनी ही स्टेबल तरीके से उड़ती है। ट्राई करके ज़रूर देखना दोस्तों, तुम लोगों को थर्माकोल का प्लेट तो ज़रूर मिल ही जाएगा और धागा लगा है। तो एकदम आसान सा ये पतंग है। और देखो, अभी मैं ढील दे करके दिखलाता हूँ कि ये कितने ऊपर तक और कितने आसानी से उड़ा सकता हूँ मैं। तो देखो यार, तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इस वीडियो पे बढ़िया रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं पतंग के ऊपर लाऊंगा, और कुछ नए डिजाइन की पतंग तुम लोगों को बनाना सिखाऊंगा। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा ये मेरा पतंग, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।